तो रामायण में सबसे बड़ा त्याग किसका है रामायण तो पूरी त्याग और तपस्या से भरी हुई है सीता माँ का, का, का त्याग अशोक पाटिका में भरत महाराज का त्याग नंदीग्राम में लक्ष्मण जी का त्याग सीता माँ खुद का त्याग जब उन्होंने अपने महल के सुख को त्यागा हनुमान जी का त्याग हनुमान जी ने राम की सेवा में अपना जीवन मिछावर कर दिया त्याग तो बहुत लोगों का विभीषण का त्याग विभीषण ने अपना अपना घर लंका और अपने भाई रावण और अपने कुटुंब को सबको त्याग दिया अपनी वाइफ को त्याग दिया तो सबसे बड़ा त्याग किसका है वैसे अगर हम ध्यान से रामायण पढ़ेंगे और वैसे कई कवियों ने भी कई आचार्यों ने भी लिखा है सबसे बड़ा त्याग है उर्मिला का क्योंकि उर्मिला ने राम के साथ तो सीता चली गई सीता कहा कि भी देखिए राम भगवान से बोला कि आप का आपके साथ मेरा दुख भी सुख है आपसे दूर मेरा सुख भी दुख है लक्ष्मण जी ने कहा मैं आप दोनों की सेवा करूंगा वो भी चले गए उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला ने कहा ठीक है मैं वापस रहूंगी यहाँ उर्मिला भी जा सकती थी लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने कहा मैं रहूंगी वापस कि जिससे लक्ष्मण जी अच्छे से सेवा कर पाए सीताराम की उर्मिला चौदह साल लक्ष्मण जी से दूर महल में रही और उर्मिला जी ने कौशल्या सुमित्रा और केकई उनको सांत्वना दी क्योंकि सीता माँ नहीं थी सांत्वना देने के लिए उर्मिला सीता के बाद उनसे छोटी और एक रानी हो गई सबसे बड़ी वो हुई उसके बाद क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो और छोटे थे उनकी रानी और छोटी थी इन्होंने सांत्वना दी चौथा साल उनको तो उर्मिला का त्याग बहुत बड़ा त्याग माना जाता है सो so, uh, कुछ आचार्य उर्मिला का त्याग सबसे बड़ा त्याग मानते हैं कुछ आचार्य भारत का त्याग सबसे बड़ा त्याग मानते हैं क्योंकि भरत ने केवल राम को ही नहीं खोया भरत ने राज्य भी स्वीकार नहीं किया भरत राम भगवान की पादुका का लेके आए नंदीग्राम में रखा और उन पादुकाओं की पूजा करके चौदह साल बताया और चौदह साल कैसे बिताया नंदी ग्राम में वो ज़मीन के नीचे सोते थे गड्ढा खोद के क्योंकि राम ज़मीन पे सोते थे उन्होंने कहा सेम ज़मीन पे नहीं सोऊंगा मैं वो गड्ढा खोद के सोते थे और क्योंकि राम कंदमूल खाते थे उन्होंने कहा मैं कंद मूल भी नहीं खा सकता वो गाय गाय जो खाती थी गाय फिर जब टॉयलेट करती थी उसमें से वो अन्न निकाल के और फिर उसको यूरिन से धो के फिर खाते थे पता नहीं एग्जैक्टली कैसे होता था बट वही बस चौदह साल उन्होंने ऐसे बताए और रो रो के भरत महाराज का विलाप ऐसा है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं आज भी चित्रकूट जाओगे पत्थर पिघले हुए भरत महाराज राम के विलाप में तो और बल्कि भरत महाराज को राम ने लक्ष्मण जी ने अपशब्द भी गए संशय भी किया भरत महाराज पे जब वो राम को लेने आ रहे थे आ, 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 तो जब अयोध्या से राम भगवान का वनवास हो गया तो राम भगवान उस टाइम श्रृंगवीरपुर में थे गुहा केवट के साथ भरत महाराज लेने आए चित्रकूट में भी राम को राम से मिले तो वहाँ पर आ, भरत महाराज पे काफ़ी गुआ ने केवट ने संशय किया चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने संशय किया भरत महाराज ने उसको कोई बुरा नहीं माना इसलिए दो जनों का त्याग सबसे प्रधान त्याग माना जाता है उर्मिला का और भरत का हरे कृष्ण